नमस्कार भाइयों, ये जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रही हैं, ये कौन है इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब भली भांति इनसे वाकिफ होंगे, इनको पहचानते होंगे। अब इनके मामले में समर सिंह को अरेस्ट किया गया है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन कुछ सवाल हैं मेरी तरफ से जो आप लोगों को आज कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। भाई, बहुत जगह से ये सुनने को मिल रहा है कि समर सिंह ही दोषी है, तो कोई कह रहे हैं कि समर सिंह दोषी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि समर सिंह अगर दोषी नहीं होते तो उनको भागने की जरूरत ही क्या पड़ी, फरारी पे रहने का जरूरत ही उनको क्यों पड़ा। बताइए, कोई आखिर दूर क्यों जाएगा जब वो कोई गुनाह करेगा ही नहीं। लेकिन एक तरफ समर सिंह का ये जेल वाला चेहरा देखिए कि इस चेहरे पे आपको क्या दिखता है। इस चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि गुनाहगार यही है। खैर, इन सब चीजों का फैसला कोर्ट करेगी। और अभी से ही बहुत लोग समर सिंह को दोषी समझने लगे हैं, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि भाई, जब तक जज साहब का फैसला नहीं आ जाता है इस मामले में, तब तक आप अपनी तरफ से टिप्पणी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आकांक्षा दुबे जी की मम्मी का ये वाला बोली सुनिए। पूरा पैसा बाकी है, लगभग कुछ अंदाजा कितना, लगभग 2-3 करोड़ होगा। अब बताइए, 2-3 करोड़ रुपया बाकी रहेगा आकांक्षा दुबे का समर सिंह के ऊपर, तो क्या आकांक्षा दुबे लाइव आके नहीं बोलेंगी? क्या उस समय इनको जरूरत नहीं पड़ा होगा पैसे का, तो उस समय आके क्यों नहीं बोली? ऐसे तो छोटे मोटे मुद्दे पे आके बोलती है मैडम जी। देखिए, जब मुझे क्रेडिट मिलेगा, जब मुझे मेरा पैसा मिलेगा तभी। एक भोजपुरी एक्ट्रेस का जितना पैसा मिलता है, पता है कितना पैसा मिलता होगा? ज्यादा से ज्यादा 50,000, क्योंकि एक फिल्म में आकांक्षा दुबे को मिलता है 1 से 2.5 लाख तक। लेकिन एक एल्बम, समर सिंह बहुत ज्यादा एल्बम करवाते हैं, और बहुत ज्यादा अगर हम लेते हैं, बहुत ज्यादा समर सिंह अगर कोई एल्बम करवाया होगा तो ये 3 साल में 100 एल्बम करवाया होगा। और 50,000 रुपए के दर से अगर देखें 100 एल्बम तो होता है 50 लाख। 3 करोड़ भैया कहाँ है आपको पता है? मतलब क्लियर कट में इनकी मम्मी जी पता नहीं क्या बोलना चाह रही हो, आप भी समझिए, हम तो समझ गए हैं। जब मुझे क्रेडिट मिलेगा, जब मुझे मेरा पैसा मिलेगा तभी। बताइए, यही आकांक्षा दुबे हैं जो प्रदीप पांडे चिंटू, जिनको आप पहचानते होंगे, उनके पिताजी के बारे में ये कह रही हैं कि 10,000 रुपया इनका रुका हुआ था। तो इस चीज के लिए ये लाइव आके बोल सकती हैं। लेकिन समर सिंह, जो समर सिंह 3 करोड़ रुपया रखा हुआ है, उनके बारे में कोई कभी नहीं बोलता है। भाई, ये हर चीज होने के बाद ही आखिर क्यों होता है? पवन सिंह के साथ ऐसा ही हो रहा था। पवन सिंह और अक्षरा सिंह का जब साथ में रिलेशन चल रहा था तो दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही रिलेशन खराब होता है तो सब का सब जिम्मेवार पवन सिंह हो जाता है अक्षरा सिंह के लिए, और अक्षरा सिंह जिम्मेवार हो जाती है पवन सिंह के लिए। वही हाल यहाँ पे भी हुआ। जब आकांक्षा दुबे अब नहीं रही तो हर एक इल्जाम समर सिंह पे डाल दो। खैर यार, ये सब काम जो सब कुछ होने के बाद किया जाता है, वो पहले किया जाता ना, तो शायद ये स्थिति नहीं आता। जैसे कि पैसा के मामले में या मारपीट के मामले में, अगर समर सिंह आकांक्षा दुबे के साथ मारपीट करता था तो उसका FIR उनको पहले करना चाहिए था, सब कुछ होने के बाद ही क्यों? पैसा अगर रुका हुआ था तो उसका भी FIR पहले करना चाहिए था, या लाइव आके बोलना चाहिए था, अभी ही क्यों? लास्ट में जाते जाते इतना ही कहेंगे कि आकांक्षा दुबे जी का जो फिल्म में जो काम करने का पैसा मिलता था, वो ये 1 से 2.5 लाख रुपया तक मिलता था। और एल्बम, जो कि नॉर्मल हीरोइन 10 से 15 हजार में एक एल्बम बना देती हैं, तो हम ये मानते हैं कि आकांक्षा दुबे बहुत बड़ी स्टार थी, तो उनका 50,000 रुपया एक एल्बम का पैसा होगा। लेकिन 50,000 को गुणे करेंगे 100 से तो 50 लाख रुपया आता है, फिर भी 3 करोड़ में 2.5 करोड़ रुपया कम। तो बताइए कि आखिर झूठ बोल कौन रहा है?